आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी सोमवार 26 जून 2023 है। जय श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए श्री जी की नगरी के थोड़े हालचाल देख लेते हैं। जैसा कि हमने कल की प्रस्तुति में भी बताया था, प्रभु श्री जी की नगरी में मानसून का आगमन हो चुका है और कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है। हालांकि श्री जी के राजभोग के दर्शन तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन तत्पश्चात बारिश प्रारंभ हुई और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह नाथद्वारा में स्थित नंद संबंध बांध से हैं। संदर्भ यह है कि बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान के प्रभाव से हुए बारिश से भरे बाघेरी नाका बांध से आए पानी के कारण नंद संबंध का बांध भी भर गया है। और दो दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण यह बांध कल रात को छलक गया है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी की नगरी में जलापूर्ति इसी बांध से होती है। यहाँ से निकल रहा पानी बनास नदी तक पहुँचने की तैयारी में है। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस स्थल से आप भलीभांति परिचित हैं। पूर्व में भी इससे संबंधित प्रस्तुतियाँ हमने दी हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि यहाँ अब डिमोलिशन का कार्य काफ़ी आगे तक पहुँच गया है। श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर नया बाजार में स्थित यह डाया भवन धर्मशाला है, जहाँ ऊपर कभी अट्टालिकाएँ नज़र आती थीं, अब वहाँ पर डिमोलिशन का कार्य आपको दिखाई दे रहा है। दुकानदार अपनी दुकानें खाली करने में जुटे हुए हैं। शीघ्र ही यह डाया भवन एवं केशव भवन दोनों ही हमारी स्मृति में रह जाएंगे अथवा कहीं दिव्य शंखनाद के फाइलों में रह जाएंगे। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ पर नए निर्माण होंगे, नई सुविधाओं की व्यवस्था होगी। तो प्रभु श्री जी के दर्शन करने आने वाले वैष्णवों को सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए यह मार्ग चौड़ा भी होगा और व्यवस्थित भी होगा, आवाजाही में भी सुगमता बनेगी। प्रभु श्री जी के मंदिर में प्रवेश करने का द्वार भी इसके सामने ही निर्मित हो रहा है। श्री जी की नगरी में होने वाले नवीनतम घटनाक्रमों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं। ऐच्छिक श्रृंगारों के तहत प्रभु श्री जी को आज मल्लकाच्छ एवं टिपारा के श्रृंगार धराए गए हैं और सायंकाल उत्थापन के पश्चात ऐसे ही कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे।
हल्का सा भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। दर्शन प्रारंभ करने से पहले आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही प्रभु के दर्शन प्रारंभ करें। तो आज प्रभु को आभरण से मिलुआ, नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं। अब परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। भाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति प्रभु ने धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान मन बुद्धि चित सभी को सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से मानो प्रभु हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इस अलौकिक और सम्मोहित कर देने वाले प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन के पश्चात आइए प्रभु ने अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार किन किन रूपों में धारण किया है दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज जालीदार वस्त्र अर्थात नेट की पिछवाई सजाई गई है जिसमें खसखाना के भाव का सुंदर काम किया हुआ है। श्री वल्लभ और श्री यमुना जी उकेरे गए हैं। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। इनके अलावा तीन पड़घा जी भी प्रभु के समक्ष पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई दो गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं। प्रभु के समक्ष एक चांदी का रथ पधराया हुआ है और चर्वित तांबूल की सेवार्थ चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु श्री जी को आज जो वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की मलमल के किनारी से सजे हुए वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज मल्लकाच्छ एवं पटका धराए गए हैं। इसमें भी एक पटका आगे की ओर और एक अन्य पटका कंदरा जी पर आता हुआ धराया गया है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज चंदनी रंग के डोरिया के वस्त्र के धराए गए हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को छेड़ान का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन भारी श्रृंगार धराया गया है जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण प्रभु को आज मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपरा का साज धराया गया है जिसमें गुलाबी रंग की टिपरे की टोपी धराई गई है। टोपी पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और उसके ऊपर बीच में चमक की मोर शिखा दोनों ओर दोहरे कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए मयूराकृत कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो सुंदर माला जी
प्रभु को अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा देवी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु के एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है। इसके साथ आज सुआ वाले वेणु जी धराए गए हैं। वहीं कटी पर प्रभु के आज सुआ वाले ही दो वैत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना के तहत प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियाँ बाघ बकरी वाली सुंदर चित्रांकन से सजी पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत चांदी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, आइए उनका अवलोकन करें। मंगला में लाल माई बांधे कसुम्बी पाग, राजभोग में लाल उपरनी अति झीनी, आरती में लाडलो लड़ाय बुलावत धैन, शयन में दोऊ जन बैठे कुंज कुटीर, मान के पद में मानून कीजेरी और पोढ़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है, जिसमें दूध दही एवं अन्य सामग्रियां जो दूध घर में सिद्ध होती हैं उनका भोग अरोगाया जाता है, तो प्रभु के बाल भोग में सिद्ध होने वाली अनसखड़ी सामग्रियों का भोग विशेष रूप से राजभोग में अरोगाया जाता है, तो रसोई में सिद्ध होने वाली सखड़ी की सामग्रियों का भोग भी प्रभु को अरोगाया जा रहा है और शाक घर में सिद्ध होने वाली विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। विशेष में प्रभु को जन्माष्टमी तक 3 दिन अंकुरित दालों का और 3 दिन अंकुरित छुकी हुई दालों का विशेष भोग अरोगाया जाता है और संध्या के भोग में प्रभु को मौसमी फलों का भोग भी नियमित अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग और संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। सायंकाल उत्थापन दर्शनों के पश्चात प्रभु को आज मल्लकाच्छ टिपरा का ही मोगरे की कलियों का श्रृंगार धराया जाएगा। यह अद्भुत श्रृंगार प्रातः जैसे वस्त्र आवरण धराए जाते हैं उसी प्रकार के मोगरे की कलियों से निर्मित किए हुए। संध्या आरती दर्शनों के पश्चात ये सभी श्रृंगार बड़े कर शैया जी के पास पधराए जाते हैं। इनके साथ प्रभु को आज विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सकीरी कान तो गरजन लाए, सकीरी कान तो गरजन बरकत में अपवन फुयान सौ अपने मद अनुराग, अपने मद अनुराग
लत मोर पपैया बोलत बोलत मोर पपैया बोलत नयो बीरह तन जाग्यो नयो बीरह तन जाग्यो हम बिछुरी बैठी भव नन में हम बिछुरी बैठी भव नन में यागरगत रस पायो यह रगत रस पायो सकी री घन तो गरज यह सुख मानत अपनी ऋतु सो यह सुख मानत अपनी ऋतु सो हमारो प्रिय रामदार यो हमारो प्रिय श्री विठल गिरिधर जाने शिवी थल गिरिधर बिन जाने आवत ही इत भायो आवत ही इत भायो सखीर घन तो गर सकी थी धन तो यह सुख मानत अपनी ऋतु से यह सुख मानत अपनी ऋतु से हमारो हियरा दायो हमारो हियरा श्री विठल गिरि धर बिन जाने श्री विठल गिरि धर बिन जाने आवत गीत भाग्यो आवत गीत भाग्यो खन तो गर धारण पर मुर
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।